नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एम के लवरेज कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम के एल सी सी ग्रुप पर। और मैं रवि रंजन सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोशिका विज्ञान से टॉप 30 क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका विज्ञान से टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप आज के सेशन को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अर्थात पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इससे दो प्रश्न आपको जरूर आएंगे। इस 30 क्वेश्चन में दो प्रश्न आपको अवश्य रहने वाले हैं और एक प्रश्न 5 मार्क्स का है। इस आधार पर आपको 10 मार्क्स आपको कंप्लीट कन्फर्म होने वाले हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं हम लोग रात्रि 8 बजे से प्रत्येक दिन लाइव क्लास देखते हैं, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और अपने मित्रों पर इस लाइव सेशन को शेयर कर दें। और हाँ, आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का 30 में से कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो मुख्य प्रश्न देखने वाले हैं वह सबसे पहले है कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। इस तरह से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जिसका जवाब आप लोगों को पूरे ईमानदारी पूर्वक देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन 1, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बच्चे ईमानदारी से देखेंगे और आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय रहेगा, उसमें आपको जवाब देना है। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। आप लोगों का समय होता है स्टार्ट, 5 सेकंड का समय है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, आल्टमैन ने, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। इसी तरह से आप लोग मेहनत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसी तरह से पूरे ईमानदारी पूर्वक जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है, कोशिका की खोज किसने की। आप लोग के समय 5 सेकंड का समय है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखकर जवाब देंगे, कोशिका की खोज किसने की। चलिए बहुत बढ़िया, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। बहुत बढ़िया प्रयास आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग लाइव क्लास देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है, आप लोग का समय होता है स्टार्ट। बिल्कुल सही जवाब, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है, राइबोसोम में, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखकर जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, सभी बच्चे ध्यान से देखकर जवाब देने का प्रयास करेंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ आज के इस सेशन में। चलिए बहुत बढ़िया, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
जो कि बार बार प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? आपका समय होता है स्टार्ट। बिल्कुल सही जवाब, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने वाली कौन सा है बाबू? तो कोशिका भित्ति। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका समय होता है स्टार्ट। बिल्कुल सही जवाब, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब सभी बच्चे देंगे। और आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं एमके लवरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके एलसीसी ग्रुप पर। अगर आप लोग पहली बार इस सेशन से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? बिल्कुल सही जवाब, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? सभी प्यारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपकी डिस्प्ले पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप इस नंबर पे मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। और एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपका समय होता है स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, आप लोग पूरे ईमानदारी से इसी तरह से मेहनत करेंगे और सभी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ आज के इस 30 प्रश्न के सेट में। चलिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी राइट आंसर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने वाला या नष्ट कर देने वाला क्षमता होता है उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? बिल्कुल सही जवाब क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग क्लोरो
ब्लास्ट प्रदान करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णीय लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, इसमें मुख्यतः यह जो किस्में पाए जाते हैं, अवर्णीय लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं मुख्यतः किस्में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे। आज के सेशन में आप लोग गर्दा मचा रहे हैं, बिल्कुल मेहनत ईमानदारी पूर्वक आप लोग करें, हमें पूरा महसूस हो रहा है। बिल्कुल सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसी तरह से मेहनत करेंगे। अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। अवर्णीय लवक मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णीय लवक मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी बच्चे जानते हैं, आप लोग जो जिस चैनल पर लाइव सेशन देख रहे हैं वह MK लवर्स कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप लोग MK लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो बहुत बढ़िया, जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है बाबू? जल है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक कार की तरह कार्य करती है? पाचक एंजाइमों के संग्राहक कार स्टोरेज की तरह कार्य करती है, कौन सा है कोशिका अंगक है बाबू? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक कार की तरह कार्य करती है, वह कोशिका अंगक लाइसोसोम है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना है? कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव कहलाता है किससे बना होता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे। चलिए तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, कोशिका का जो जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है वह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है बाबू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीव द्रव जिसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, तो जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चलिए बहुत बढ़िया, जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुर्किंजे ने किया था। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुर्किंजे ने किया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे 30 प्रश्न में कितना प्रश्न का उत्तर आपका सही हुआ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आज के क्लास से आपको 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। लिख लीजिए, 10 मार्क्स सिर्फ आज के क्लास से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के द्विकुंडलित संरचना मॉडल जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं किसने प्रतिपादित किया था? DNA सभी बच्चे जानते हैं, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA, ठीक है। तो DNA के द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया? वाटसन एंड क्रिक, बिल्कुल सही जवाब, वाटसन एंड क्रिक ने।
क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की थी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी बच्चे से पूर्ण विश्वास है आप लोग जवाब जरूर देंगे। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की। चलिए बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की खोज सर्वप्रथम जो किए थे वह ब्राउन ने किए थे। ब्राउन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बाबू। सर्वप्रथम किसने की थी न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की खोज, ब्राउन ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 22। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत बढ़िया प्रयास आप लोग करते हैं, बिल्कुल सही जवाब, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो वह है बाबू केंद्रक, न्यूक्लियस। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। 23 नंबर प्रश्न, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे। कोशिका अंगक से लाइसोम बनता है, किस कोशिका अंगक से। बिल्कुल सही जवाब गॉल्जी काय, गॉल्जी बॉडी। सभी बच्चे जानते हैं गॉल्जी काय से लाइसोसोम बनता है, और गॉल्जी काय क्या है, कोशिका अंगक है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, सभी विद्यार्थी जवाब देने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखेंगे न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। सभी बच्चे जानते हैं कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बच्चे पूरे जोश और उमंग के साथ जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, अपने मित्रों पर एक बार जरूर शेयर कर दें, ताकि अगर वे पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने की थी। नॉल तथा रस्का ने, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बाबू। ठीक है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं नहीं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। बिल्कुल सही जवाब है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। आज हम लोग बायोलॉजी से टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे, आपको इसमें बताना है कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ है,
आज के इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है कैसी झिल्ली? पारगम में, अर्ध पारगम में, चयनात्मक पारगम में या अपारगम में? सभी बच्चे इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। पारगम्य के मतलब पूर्णतः सभी पदार्थ इस तरफ से उस तरफ चल रहे, अर्ध पारगम्य के मतलब आधा पार हो आधा उस तरफ ना जा, चयनात्मक पारगम्य मतलब सेलेक्टेड, चयन कर कर चुन चुन कर कुछ को जाने दे, मतलब वो सेलेक्ट करके भेजे, और अपारगम्य के मतलब दम ना जा इस तरफ से उस तरफ। तो याद रखेंगे कोशिका भित्ति कैसी होती है बाबू, तो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? आपको पहचानना है कौन है जो अर्ध पारगम्य है, कौन है जो अर्ध पारगम्य है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग के जवाब देना है बाबू। बिल्कुल कोशिका झिल्ली है जो अर्ध पारगम्य है, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आप लोग के सामने 31 क्वेश्चन हम रखे हैं। आप लोग जैसा कि शुरुआत से देखें तो आपको 30 क्वेश्चन कहे, मगर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको हम कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ रहे हैं, आपको खुद से जवाब देना होगा। तो सबसे पहले 31 का जवाब देखते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? लास्ट प्रश्न है, सभी बच्चे जवाब देंगे। इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया बाबू, बहुत बढ़िया। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए यह है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, आपको लाइव चैट में जवाब नहीं देना है। तो चलिए बाबू, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं एमकेएल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमकेएल सीसी ग्रुप पर आप लोग डेली लाइव क्लास देखते हैं। इसलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा देंगे, ताकि आप तक सभी क्लास के नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जो बच्चे हमें फॉलो नहीं किए हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आपके डिस्प्ले पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस पर मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और ऑनलाइन क्लास एवं शिक्षा से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाबू। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से क्लास आप लोग को कैसा लगा ये भी जरूर बताएंगे, पिछले क्लास की भांति आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप लोग का कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग घर पर ईमानदारी पूर्वक तैयारी करें, क्योंकि अब आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।